खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल, अपनी मांग ना पूरी होने से मध्य प्रदेश के शिक्षकों का जंगी प्रदर्शन शाहजहानी पार्क में हुआ। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार ने वचन पत्र में शामिल 7 पद नाम सहित शिक्षक संवर्ग की 9 सूत्रीय मांगों पर समय सीमा में निर्णय न होने से नाराज प्रदेश भर के लगभग 15,000 शिक्षकों ने गुरुवार को राजधानी के शाहजहानी पार्क पहुंचकर जंगी प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने अपने वचन पत्र में शामिल मांगों में से पदनाम सहित कुछ मांगों को 3 माह के अंदर हल करने का संकल्प लिया था, किंतु आज 7 माह बाद भी शिक्षकों की मांग पर प्रशासन मौन है। इसी से नाराज होकर कई शिक्षकों ने अपना मुंडन भी कराया है। आपको बता दें कि सरकार को चैलेंज देते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरेंगे और घोर प्रदर्शन करेंगे। शासन को सूचना देने के बाद भी शासन के कोई प्रतिनिधि हम लोगों को किसी प्रकार का कुछ यहाँ देने नहीं आए इसके विरोध में, और हम लोग यहाँ बार बार उपस्थित होते हैं और हमारे जो दूसरे साथी हैं वो बार बार हमको कमेंट्स करते हैं इसके लिए, और हमारे स्वाभिमान के लिए ये हमारी पदनाम की है और हमको पदनाम चाहिए और हमको पदनाम लेके रहेंगे। ये मैं अपनी स्वेच्छा से करवा रहा हूँ और ये मेरे को कराना जरूरी है, और मेरे साथ अगर मेरे साथी लोग सब नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपनी स्वेच्छा से करवा रहा हूँ और पदनाम मुझे आज चाहिए मुंडन करवाना, और मुंडन इसलिए करवा रहा हूँ कि मेरे स्वाभिमान की रक्षा के लिए, क्योंकि हम पदनाम के लिए 3 साल हो गए हम लोगों को। कोई मिनिस्टर आता है बोले हम तुम्हारा कर देंगे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी ने भी हमको आश्वस्त किया था और माननीय कमलनाथ जी ने भी हमको आश्वस्त किया था, और यहाँ तक कि उनके वचन घोषणा पत्र में ले लिया, उसके बाद भी उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। प्लीज अगर ये नहीं करते हैं तो इससे बड़ा आंदोलन होगा, और ये जन आक्रोश देख रहे हैं अब, ये बहुत बड़ा जन आक्रोश है और ये होना चाहिए। जय जय समग्र। नारायण सिंह नकदे, प्रदेश महामंत्री समग्र शिक्षक संघ भोपाल। आज यहाँ पे जो प्रदर्शन रखा गया, जंगी प्रदर्शन विषय पे रखा गया, और कहाँ कहाँ से लोग आए, कितने लोग हैं, मैं आपको बता देना चाहूँ, पूरे लगभग 51 जिले में से यहाँ पर 35 से 40 जिला के वरिष्ठ शिक्षक जिनकी सेवा विभाग में रहते हुए 35 से 40 साल हो गई है, जो एकदम रिटायरमेंट के करीब है, 55 से 60 साल है, जिनको 3-3 क्रमोन्नत वेतनमान मिल गया है, 3 स्टेप वेतनमान मिला है, लेकिन आज भी वो जिनको लेक्चरर का प्राचार्य का वेतनमान मिला हुआ है और वो आज LGT बने हैं, जबकि उनको प्राचार्य होना चाहिए, उनको उच्चश्रेणी शिक्षक होना चाहिए, उनको व्याख्याता होना चाहिए, प्राचार्य होना चाहिए, नहीं बनाया और सहायक शिक्षक LGT जिसको कहते हैं आप, आपसे बताएं कि हमने पूर्व की सरकार भी थी जब भी बहुत निवेदन प्रतिवेदन किया, ये इतने मर्यादित संस्कारित उम्रदराज वरिष्ठ शिक्षक हैं जो कभी भी अमर्यादित नहीं होते, सड़क पर मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे नहीं करते, शांतिपूर्ण ज्ञापन धरना दे रहे हैं, 15 साल में यही मांग रहे हैं कि हमें आपने जो वेतन दिया है उसका एक कागज दे दो, उसका एक पदनाम दे दो, एक बार एक प्रमोशन आप कर दो, लेकिन नहीं किया, पूरी की सरकार ने नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से खूब उन्हें अंतिम करते करते हमको आश्वासन देते नहीं किया, अभी वर्तमान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वचन पत्र में लिया है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।